अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टीलिंगुअल। आज की जो हमारी वीडियो है वो इंतहा इंटरेस्टिंग है। प्रीवियस वीडियो हम लोग कर चुके हैं पास्ट टेंस के बारे में, थ्री टाइप्स हम लोग डन कर चुके हैं प्रीवियस में। पास्ट इंडेफिनेट हम कर चुके हैं, पास्ट परफेक्ट कर चुके हैं और पास्ट कंटिन्यूस भी हम कर चुके हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि क्रिएटिव राइटिंग के लिए जो है इस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग में आपने नोटिस किया होगा कि हम बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स उसमें ऐड करते हैं कि हमारी राइटिंग जो है वो एस्थेटिक राइटिंग भी हो, और सेकेंडली ये कि उसके कोई मीनिंग भी हो। एज़ वी नो दैट कि पंक्चुएशन मार्क्स जितने भी यूज़ होते हैं ये किसी न किसी रीज़न के तहत यूज़ होते हैं, और कुछ ना कुछ ये बता रहे होते हैं आगे कि सेंटेंस में क्या है। तो ये भी कुछ ना कुछ मतलब हमें कोई हिंट दे रहे होते हैं, तो इसको समझने के लिए हम यूज़ करते हैं पंक्चुएशंस। सो आज की जो हमारा टॉपिक है वो यही है, पंक्चुएशन मार्क्स। हम देखेंगे हमारे पास कितने पंक्चुएशन मार्क्स हैं और कौन कौन से हैं, और कौन से पंक्चुएशन मार्क के साथ हम किस तरह से उसे मतलब हम डील करते हैं, ग्रामेटिकली क्या क्या हम उसमें यूज़ कर सकते हैं चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास जितने भी पंक्चुएशन मार्क्स हैं हम उन्हें किसी न किसी पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब हम पंक्चुएशन मार्क को किसी एक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, बहुत सारे पर्पस के लिए यूज़ होता है, बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। जैसा कि सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं अपना फुल स्टॉप से, तो देखते हैं फुल स्टॉप में हमारे पास सबसे पहले क्या क्या है। एब्रीविएशन के साथ जैसा कि यूज़ होता हो सकता है, जहाँ पर एब्रीविएशन हमारे पास होते हैं, कुछ वर्ड जैसे हम कहते हैं स्टैंड बाय करते हैं तो उनके साथ यूज़ हो सकता है, और नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ फुल स्टॉप यूज़ होता है। और इसके अलावा हमारे पास जो फुल स्टॉप है वो यूज़ होता है एक्टिव सेंटेंसेस के साथ। एक्टिव या पैसिव सेंटेंसेस हो गए हमारे पास, नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए, या कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसे हमने कम्प्लीटली वहाँ अपनी बात कर दी है तो वहाँ पर फुल स्टॉप यूज़ होता है। दैट्स मीन फुल स्टॉप का मतलब ये होगा कि हमने अपनी बात कंप्लीट कर दी है, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम फुल स्टॉप से स्टार्ट लेंगे। एज आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स कि फुल स्टॉप हमारे पास कहाँ यूज़ होता है, एब्रीविएशंस के साथ भी यूज़ होता है। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करते हैं, उनके साथ भी यूज़ होता है। जैसा कि हम गवर्नमेंट पूरा नहीं लिखें, अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो ये भी हमारे पास गवर्नमेंट का ही सेंस देता है, तो यहाँ भी हम फुल स्टॉप का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास एब्रीविएशन जैसे है WHO, यहाँ भी हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, और मिस्टर के साथ फुल स्टॉप, मिसेस के साथ हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम फुल स्टॉप का यूज़ कर सकते हैं बहुत से डिफरेंट चीज़ों के साथ, बहुत से डिफरेंट जो ग्रामेटिकल हमारे पास थिंग्स हैं उसके साथ, हम एलिमेंट्स हैं उसके साथ हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ और पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ, नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ भी हम जो हैं यूज़ कर सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में ये है कि हमारे जो कहने का मकसद होता है हम उसे कम्प्लीटली अपनी स्टेटमेंट अपनी बात कर चुके होते हैं, तो वहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी एक सेंटेंस फॉर्म करती हूँ, आलिया हैड नॉट कम्प्लीटेड हर वर्क, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे कि हमने जो स्टेटमेंट देना है, जो बात करनी है वो हम कम्प्लीटली कर चुके हैं, राइट। सो नेक्स्ट हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंस, अली हैड कम्प्लीटेड हिज टास्क, तो यहाँ भी हमने यूज़ किया। एक हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस, एक हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, और जितने भी हमारे पास इस टाइप के, और इसमें मैं आपको एक और भी ऐड कर दूं, जैसा कि प्रोफेसर, यहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इसकी फुल फॉर्म हम लिखें तो प्रोफेसर, अगर हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं तो इस तरह से प्रोफेसर, यहाँ भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो फुल स्टॉप के भी बहुत से यूजेज हैं, डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, डिफरेंट टर्म्स के साथ हम इसे यूज़ करते हैं, एब्रीविएशन के साथ हम इसे यूज़ करते हैं एज आई टोल्ड यू, और नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव के साथ भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारा जो पंक्चुएशन मार्क है
इसमें हमारे पास कैपिटल लेटर है। एज वी नो दैट के पंक्चुएशंस के साथ हम लेटर्स को भी डील करते हैं ग्रामेटिकली, तो हम देखेंगे कि हमारे पास कैपिटल लेटर हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स हैं इवन कि जो मास्टर्स लेवल पर भी होते हैं, ग्रेजुएटेड होते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, कहाँ पे किस वर्ड को कैपिटल डील करना है, कहाँ पे स्मॉल करना है, तो वो इसमें बिल्कुल परप्लेक्स सिचुएशन उनकी हो जाती है। तो आज हम इसे भी देखेंगे कि कैपिटल लेटर हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है पंक्चुएशन मार्क का, कि हम कैपिटल लेटर को देखें, कैपिटल लेटर हम कहाँ कहाँ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई पोएम है, कोई नज़म है, तो उस पोएम में हमने देखा होगा कि फर्स्ट लेटर उसका भी कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर किसी भी लाइन का अगर हम किसी भी टेक्स्ट में देखें, तो उसमें भी अगर फुल स्टॉप के बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, फुल स्टॉप पे एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, उसके बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो उसके लिए हम कैपिटल लेटर ही यूज़ करेंगे। तो एक चीज़ तो मैंने आपको ये बताई कि फुल स्टॉप के बाद, जैसा कि अली इज़ वर्किंग सो हार्ड, वेदर ही did not get good result। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस फॉर्म कर दिया, अली इज़ वर्किंग सो हार्ड वेदर ही डिड नॉट गेट गुड रिजल्ट। यहाँ पे हम फुल स्टॉप यूज़ करेंगे, इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे न्यू लाइन, तो वहाँ पे हम कैपिटल लेटर ही यूज़ करेंगे। ही बिकेम depressed by his result, तो यहाँ पर हमने यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा कि सबसे पहले लेटर अली, as we know that कि ये एक proper noun है, तो proper noun को भी हम capital जो है ना deal करते हैं capital letter के साथ। proper noun जितने भी हमारे पास हैं वो सब capital letter में ही आते हैं, और यहाँ पर हमने एक sentence form किया, अली इज़ working so hard, इसके बाद वेदर ही डिड नॉट गेट गुड रिजल्ट, हमने यहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ किया। उसके बाद जो हमने ही यूज़ किया है उसका एच कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो न्यू सेंटेंस हमने स्टार्ट किया, हमने उसमें क्या किया कि अपने लेटर को कैपिटल कर दिया, जो फर्स्ट लेटर हमारे पास था। सो प्रॉपर नाउन जितने भी हमारे पास हैं इन सब को हम कैपिटल लेटर में लाते हैं। मंथ्स के जितने नाम होते हैं, डेज़ के जितने नाम होते हैं, वीकली जो 7 डेज़ होते हैं, उसे भी हम कैपिटल लेटर के साथ डील करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई कि कैपिटल लेटर, और एक और हमारे पास टर्म है आई, प्रोनाउन है। तो इस प्रोनाउन को किस तरह से हम डील करते हैं, जहाँ भी हम आई यूज़ करेंगे, चाहे वो सेंटेंस से के मतलब फुल स्टॉप इसमें यूज़ हो गया, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा फुल स्टॉप यूज़ होगा, उसके बाद जो भी वर्ड हम यूज़ करेंगे तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट शुड बी कैपिटल। सो इसमें ऐसा नहीं है, अगर आई हमारे पास सिंगल कहीं भी यूज़ हो रहा है आई प्रोनाउन, तो इसे हम इस तरह से डील करेंगे कि हम इसे कैपिटल ही लिखेंगे। वी मस्ट राइट द आई प्रोनाउन विथ कैपिटल लेटर, तो इस तरह से हम कैपिटल लिखेंगे, जैसा कि आलिया एंड अली आर गोइंग टू पार्टी, आई आल्सो वांट टू गो विद देम। अब आप नोटिस करें स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने कोई ऐसा फुल स्टॉप यूज़ नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने आई को यहाँ एज अ कैपिटल ही यूज़ किया है। तो यहाँ आई वाले केस में जो है ये बात नहीं होगी कि फुल स्टॉप आएगा और उसके बाद आई कैपिटल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई जहाँ भी ये प्रोनाउन यूज़ होगा हम उसे कैपिटल ही लिखेंगे, जैसे कि यहाँ हमारे पास कोई फुल स्टॉप यूज़ नहीं हुआ और हमने आई को कैपिटल ही लिखा है। तो आई हमारे पास एक ऐसा प्रोनाउन है, आई टोल्ड यू, कि हम इसे कैपिटल ही लिखेंगे और इसको कैपिटल ही यूज़ करेंगे किसी भी लाइन में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क है वो है क्वेश्चन मार्क।
अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क का यूज़ कहाँ कहाँ और किस तरह से होता है. ओके स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क के बारे में अब हम देखेंगे. क्वेश्चन मार्क हमारे पास किस तरह से यूज़ होता है, इसके क्या क्या यूजेज हैं. क्वेश्चन मार्क ये साइन होता है हमारे पास पंक्चुएशन मार्क. जैसा कि मैंने आपको कहा, नेगेटिव में और पॉजिटिव सेंटेंसेस में हमारे पास फुल स्टॉप यूज़ होता है, इसी तरह क्वेश्चन मार्क जो है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज़ होता है. जहां हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं या जहां कोई हमसे कोई सवाल कर रहा होता है, कुछ पूछ रहा होता है, तो वहां पे हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क यूज़ होता है. जैसा कि हाउ आर यू, या हम यूज़ करेंगे हाउ आर यू. व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, यहाँ हम यूज़ करेंगे. तो इसका क्या साइन होता है, क्या अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे लिए, कि यहाँ पे हमसे जो शख्स मुखातिब है या अगर हम किसी से मुखातिब हैं, किसी को एड्रेस कर रहे हैं, तो हम उससे कुछ पूछ रहे हैं, हम सवाल कर रहे हैं. हमारे पास बहुत से ऐसे सेंटेंसेस आते हैं जो कि जब हम शफल करते हैं, जब स्पीकिंग होती है हमारी, तो स्पीकिंग और कम्युनिकेशन में समटाइम हम उसको गेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्पीकिंग में तो ऑब्वियसली हम यूज़ नहीं करते हैं क्वेश्चन मार्क को, लेकिन राइटिंग में हम यूज़ करते हैं. तो मोस्टली राइटिंग में भी कुछ ऐसी इनफॉर्मल राइटिंग्स होती है जिनमें हमें समझ नहीं आती कि यहाँ कहने वाला हमें क्या कहना चाह रहा है, कि वो हमसे पूछ रहा है या वो हमें बता रहा है इस चीज़ के बारे में. सो क्वेश्चन मार्क जो है एक पंक्चुएशन मार्क है जो इस चीज़ को क्लियर कर देता है कि बताने वाला या कहने वाला वो हमसे पूछ रहा है या वो हमें बता रहा है, व्हाटएवर. सो इसलिए ये यूज़ होता है. इसके भी बहुत मतलब यूज़ से हमारे पास एक क्लियर बात आ जाती है कि कहने वाला या बताने वाला, या हम किसी को बता रहे हैं तो क्या बता रहे हैं, किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, राइट. सो नेक्स्ट हमारे पास है पंक्चुएशन मार्क्स में एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेशन मार्क भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पंक्चुएशन मार्क है हमारे पास. जैसा कि इसका जो साइन है हम यूज़ करते हैं इसे इस तरह से, इस तरह से हम इसे यूज़ करते हैं. मोस्टली ये कहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है, बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, या बहुत सी ऐसी जगहों पे जहाँ हम किसी वर्ड पे एम्फोसिस कर रहे होते हैं, हम उस पर फोर्स कर रहे होते हैं कि ये चीज़ होना चाहिए, या मैं इस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ या बता रही हूँ. जैसे कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ सडनली, यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया सडनली द स्टॉर्म केम अप, सडनली द स्टॉर्म केम अप. सो यहाँ पे भी मैंने यूज़ किया सडनली के बाद मैंने यूज़ किया. एक्चुअली अगर हम कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद भी यूज़ हो सकता है. ये डिपेंड करता है कि आप किसी वर्ड पे क्या एम्फेसिस कर रहे हो. तो अभी सडनली पे मेरा एम्फेसिस हुआ है कि मैं बता रही हूँ कि सडनली ये चीज़ हुई है, तो इस चीज़ के बारे में मैं फोर्स कर रही हूँ, मैं इस पे एम्फेसिस कर रही हूँ इस वर्ड पे. तो यहाँ पे भी हमारे पास एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ होता है. दूसरा एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ क्या है, मैंने आपको समझाया कि बहुत से हमारे पास ऐसे आइडियाज़ हमारे होते हैं जिन्हें हम एक्सप्रेस करते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होते हैं हमारे माइंड के, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं. वेदर फीलिंग्स आर हैप्पीनेस की फीलिंग हो, अगर ये सैड फीलिंग हो, कोई भी फीलिंग हो, अगर ये रिजॉइस की फीलिंग हो या कोई सेलिब्रेशन की फीलिंग्स हो, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क को, जो कि एक्सप्रेस करता है मज़ीद किसी चीज़ के बारे में, राइट. सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है पंक्चुएशन मार्क. नेक्स्ट हमारे पास है कॉमा. तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कॉमा को अच्छी तरह समझते हैं, कॉमा के भी बहुत सारे यूजेज हैं. तो हम देखते हैं कॉमा कहाँ कहाँ हमारे पास यूज़ होता है. ओके स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि नेक्स्ट हम करेंगे कॉमा के बारे में. पंक्चुएशन मार्क है, इसके बारे में समझेंगे कि क्या है, राइट. सो कॉमा, कॉमा का क्या पंक्चुएशन मार्क इसका क्या है, ये हमारे पास पंक्चुएशन मार्क आता है मोस्टली. कॉमा का क्या काम है, सबसे पहले जो हमारे पास है फर्स्ट पॉइंट वो ये है कि ये हमें एक पॉज देता है. जहां हम रीड कर रहे हैं किसी राइटिंग को, किसी टेक्स्ट को, किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो
तो वहाँ एक स्मॉल सा एक मोमेंट के लिए एक पॉज हमें जो है ना ये प्रोवाइड करता है कॉमा। सेकेंडली कहाँ यूज़ होता है कि चीज़ों को सेपरेट करता है हमारे लिए, बहुत से किस चीज़ को सेपरेट करता है, एडजेक्टिव्स को भी सेपरेट करता है, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं या ऐसे फ्रेजेज होते हैं, वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेज होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि हमारे पास कंडीशनल क्लॉजेज यूज़ होते हैं, इफ़ क्लॉज के बाद हम यूज़ करते हैं कॉमा, तो वहाँ पे हमारे पास, वहाँ भी हमारे पास कॉमा यूज़ होता है। तो ये चीज़ होती है, ये यूज़ है कॉमा की, कि ये हमें एक पॉज देता है और सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, एडजेक्टिव्स को हमारे लिए सेपरेट करता है। इससे हमें समझने में एक मदद मिलती है कि ये चीज़ सेपरेट सेपरेट है, ये चीज़ अलग अलग है, ये अलग चीज़ों, एक ही चीज़ के बारे में बात हो रही है लेकिन उसके लिए अलग वर्डिंग्स यूज़ होते हैं, तो उन वर्डिंग को हमारे लिए क्या करता है, सेपरेट करता है कॉमा, हमें मज़ीद बताने के लिए कि ये चीज़ डिफरेंट चीज़ है, ये क्वालिटी डिफरेंट है, वेदर दिस इज़ अ बैड क्वालिटी और गुड क्वालिटी, बट वो एक डिफरेंट चीज़ की बात हो रही होती है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए कॉमा हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पंक्चुएशन मार्क है स्टूडेंट, वो हमारे पास है इन्वर्टेड कॉमास। तो हम देखते हैं इन्वर्टेड कॉमास भी इंतहाई इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि ये हमारे पास कहाँ कहाँ इसके यूजेज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि हम नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्टेड कॉमास के उसमें हम किस तरह से और कहाँ कहाँ ये ग्रामेटिकली यूज़ हो सकते हैं हमारे लिए। तो इन्वर्टेड कॉमास एज वी नो दैट इसका साइन जो है कुछ इस तरह से होता है इन्वर्टेड कॉमास का, किसी भी स्पीच को या किसी ऐसी बुक का कोई टाइटल होता है या कोई पोएम का टाइटल होता है या किसी वी कैन से दैट के मतलब किसी टॉपिक का कोई टाइटल होता है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन्वर्टेड कॉमास। हम उसे इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज़ कर देते हैं बताने के लिए कि ये चीज़ ऐसा है। अब जैसा कि मैं बता रही हूँ, हैमलेट इज़ रिटन बाय शेक्सपियर, तो यहाँ पे हैमलेट को जो है मैं क्या करूँगी, इन्वर्टेड कॉमास में करूँगी। ये एक ड्रामा है जो कि शेक्सपियर ने लिखा था। अब इस लाइन में मैंने क्या किया कि इस लाइन में मैंने ड्रामा को इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर दिया, जिससे पता चले कि मैं इस चीज़ के बारे में बता रही हूँ कि ये चीज़ जो है शेक्सपियर ने लिखी है। तो इसी तरह से मजीद बुक के जो टाइटल्स होते हैं फर्दरली हम उनमें भी यूज़ कर सकते हैं, पोइम्स के टाइटल होते हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं, और कोई ऐसी स्पीच होती है डायरेक्ट स्पीच उसे हम इन्वर्टेड कॉमास में क्लोज कर सकते हैं कि ये चीज़ किसी ने बताई है, डायरेक्ट स्पीच के लिए हम उसे भी क्लोज करते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। तो ये सारा इन्वर्टेड कॉमास के यूजेस हैं, यहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।